दुनिया बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक ही रीज़न है कि आप सेल्फिश ना हो जाएं। और इसलिए मुझे ज़रा भी सोचना नहीं पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कवरेज नहीं है, और अगर कवरेज होती तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरा गेस है कि 60 to 70% इंडियन पॉपुलेशन को पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम असल में है और दुनिया इससे परेशान है अभी फ़िलहाल, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इससे बचाव के तरीके मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताता हूँ। पिछले 3 हफ्तों से अमेजोन के जंगलों में आग लगी हुई है और हम आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ही इतनी स्पाइसी खबरें होती हैं कि इंडियन मीडिया को वो दिखाने से फुर्सत ही नहीं और हमें उसके बारे में जानने से फुर्सत ही नहीं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और वहाँ जो नदी मिलती है वो है अमेजोन रिवर, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। और लगातार पिछले 3 हफ्तों से वहाँ आग लगी हुई है और एक एक करके हर एक पेड़ जलते जा रहे हैं, जीव जंतु मरते जा रहे हैं, और हम इस विशालकाय जंगल को उसकी और हमारी बर्बादी से बचा नहीं पा रहे। दुनिया भर में लोग हताश हैं और इससे बहुत ही परेशान हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जंगल नष्ट हो जाता है तो इससे हमारी लाइफ तो वर्स होगी, अभी नहीं तो बाद में सही, पर आने वाली पीढ़ी के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये सब रिसर्च करते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि आज तक हमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी थी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो सब बर्बाद होती हुई नज़र आ रही हैं, सब कुछ रिवर्स ऑर्डर में जाता नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हाल ही में एक वीडियो आया था ये वाला, जिसमें आप देख सकते हैं एक धुएं का गुबार सा बन गया है साओ पोलो सिटी के ऊपर। साओ पोलो सिटी ब्राजील की सबसे बड़ी सिटी है, और जहाँ पे ये धुएं के गुबार की वजह से 2:30 बजे दोपहर में भी आपको रात जैसा लग रहा है, और ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी ने भी ये कन्फर्म किया कि ये कंडीशन इसीलिए है क्योंकि अमेजोन में फायर है और उसकी वजह से एक्सेस ऑफ हीट और स्मोक, कोल्ड वेदर, और साथ ही साथ यहाँ के मॉइस से इंट्रैक्ट करके ये कंडीशन डेवलप कर रही है, और इसलिए दिन में भी रात का मौसम आपको अब देखने को मिल सकता है। और ब्राजील स्पेस रिसर्च सेंटर ने ये बताया कि आग लगने की गिनती 72,843 से ऊपर पहुंच गई है, जो कि इस साल 83% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और आग लगना इतने बड़े रेन फॉरेस्ट में या किसी भी रेन फॉरेस्ट में बहुत ही आम बात होती है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है, पर ये जो आग है अलग अलग हिस्सों में लगाई जा रही है और इंटेंशनली लगाई जा रही है। तो आप पूछेंगे कि इंटेंशनल इतने बड़े रेन फॉरेस्ट को कोई क्यों जला के बर्बाद करना चाहेगा, तो इस सब का बस एक रीजन है, वो है लालच। लालच इंडस्ट्रीज का, फार्मर्स का, गवर्नमेंट का, सभी लालच में है। यहाँ की जमीन अगर खाली हो जाती है तो उससे बहुत सारा वोट मिलेगा, बहुत सारा लैंड खाली हो जाएगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जा सकती हैं बहुत ही चीप रेट्स पे। तो आप देख सकते हैं सबका फायदा है यहाँ, बस दुनिया का नुकसान है। आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा और पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया पे कि अमेजोन को लंग्स कहा जाता है दुनिया का, क्योंकि 20% ऑफ द एंटायर ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन अर्थ सर्फेस इज जनरेटेड बाय द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और अगर अमेजोन ना होता तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल हम ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुका होता। CNN की रिपोर्ट्स की माने तो एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ब्लेम करते हैं कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट को, जो कि हैं जार बोल्सोनारो। एक्टिविस्ट का कहना है कि बोल्सोनारो ने रेन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उस पर ढील छोड़ दी और फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को अलाउ कर दिया कि अपने हिसाब से रेन फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे ब्राजील की स्टैग्नेंट इकोनॉमी में ग्रोथ आए। और बोल्सोनारो ने अपने डिफेंस में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लेम किया, कहा कि ये सारी साजिशें हैं उनकी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। आग बेकाबू ढंग से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक्टिविस्ट का कहना है कि अगर ये इसी तरह जारी रही तो इस रेन फॉरेस्ट का रिवाइव हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
15 अगस्त से लेकर अब तक 9,507 नए फॉरेस्ट फायर्स लगाए गए हैं अमेजॉन बेसिन के आसपास, और जितना कि अमेजॉन का स्पैन एरिया है जो कि है 5,500,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक ऐसा जंगल जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और जो दुनिया की सबसे रेयर स्पीशीज और बाकी स्पीशीज का भी घर है। और इस वाइड स्पैन एरिया की वजह से अमेजॉन सिर्फ ब्राजील की जागीर नहीं है, वो 9 कंट्रीज से कनेक्टेड है। 60% एरिया ब्राजील के अंडर आता है, 13% पेरू, 10% कोलंबिया, छोटे छोटे एरिया और दूसरे कंट्रीज के हिस्से में आते हैं जो कि है वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलीविया, गुयाना और फ्रेंच गुयाना। गाइस मुझे पता है कि हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, और ये पर्सनल मैटर है वहाँ की गवर्नमेंट का, पर हम जरूर वहाँ की गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जिससे उन्हें मजबूर होना पड़े अपनी पॉलिसीज को अमेंड करने के लिए, जो रेन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए जो अच्छा हो वो करने के लिए। तो इसी के लिए हाल फिलहाल में मेरे पास एक मेल आया change.org की तरफ से, जो कि एक पटिशन रन कर रहे हैं जिससे लगाम लग सके इन वाइल्ड फायर्स पे और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो सके कि रूट कॉज क्या है इन फायर्स का और कौन इसके पीछे है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कुछ हेल्प करना, तो बहुत सारे एनजीओ जो कि काम करती हैं ग्रीन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, तो आप वहाँ अपने हर एक डॉलर का हिसाब लगा सकते हैं, कुछ अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट करिए, आप उस वेबसाइट पे जाइए, डिटेल्स पढ़िए, वहाँ आप इन्वेस्ट करिए, कुछ इन्वेस्टमेंट से वहाँ वो एक प्लांट लगाएंगे, आप उससे इसको चूज़ कर सकते हैं और वो वहीं जाके उस प्लांट को लगाएंगे। तो ये आपकी तरफ से एक हेल्प होगी, और मुझे पता है कि सबके पास पैसे की आज़ादी नहीं होती, इसलिए आप अपने बेबी स्टेप से भी कुछ हेल्प कर सकते हैं रेन फॉरेस्ट की। आप लोगों को अवेयर करा सकते हैं इस बारे में, आप पिटीशन को साइन कर सकते हैं जिससे वो पिटीशन अलग अलग गवर्नमेंट के पास जाएगा और ब्राजीलियन गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये दुनिया की नज़र है उन पे और वो अपनी मन की नहीं कर सकते। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस को भी ब्राजीलियन गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो गाइस ये सब कुछ हम खुद कर सकते हैं, इसके लिए हम ये ना सोचें कि हमारे एक के करने से क्या होगा, हमारे एक के करने से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोगों को पता चलेगा और धीरे धीरे वो एक बूंद पूरा घड़ा भर देगा। तो आपको मैं इनक्रेज करूंगा कि उस पिटीशन को साइन करिए, अवेयरनेस फैलाइए, ट्विटर पे ट्वीट करिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, व्हाट्सएप में स्टेटस में बताइए लोगों को कि ये हो रहा है, और अमेजॉन फॉरेस्ट को बचाइए प्लीज़। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें और लोगों को जागरूक करें इस बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।